الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بأفو إلا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक इरशाद पाक तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तीन बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात यह है कि मा नकसत सदकतुम मिन माल, सदका खैरात, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजाजोई के लिए खर्च करना माल को कम नहीं करता, बल्कि उससे माल बढ़ता है। सौ में से दस खर्च किए तो नब्बे हो गए। अकल ये कहती है कि माल कम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, ये कम हुआ है बढ़ने के लिए। जैसे एक ताजिर होलसेलर के पास जाता है, सामान खरीदता है और उसका बिल चुकाता है, तो उसके खजाने में से माल कम होता है। ये कम हुआ है बढ़ने के लिए, इसलिए कि जब सामान लाकर प्रॉफिट के साथ बेचेगा तो माल बढ़ेगा। तो ये जो दस खर्च किए हैं हक तआला शानहु की रजाजुई के लिए, हक तआला शानहु के रास्ते में, मस्जिद की तामीर में, मदरसे की तामीर में, मुसाफिर खाने की तामीर में, किसी यतीम की किफालत में, किसी बेवा की किफालत में, किसी मिस्कीन के घर की तामीर में, वगैरह वगैरह, इससे माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसकी बरकत से वो जो नब्बे रह गए पीछे, उस पर जो आफत और मुसीबत आने वाली थी वो रुक गई। अगर ये दस खर्च न करता तो ऐसी मुसीबत और आफत आती के सौ चले जाते। तो सौ के सौ चले जाने वाले थे, दस खर्च करके नब्बे बचा लिए, तो कम हुआ या बढ़ा? बढ़ा। एक ये। दूसरी बात, अगर ये दस खर्च न करता तो सौ से उतनी जरूरतें पूरी न होती जितनी अब नब्बे से हो जाएगी।
अगर ये 10 खर्च न करता और 100 पाउंड लेकर बाजार में जाता किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वो 100 में आती। और अल्लाह के रास्ते में 10 खर्च कर दिए, 90 लेकर बाजार में गया, तो वही चीज किसी जगह सेल में 50 में मिल गई। तो माल बढ़ा के नहीं बढ़ा, 40 बच गए। और तीसरी शक्ल कि ये जो 10 खर्च किए हैं, इसमें से हर एक के बदले में देर सवेर सूनर और लेटर कम से कम हक्ताला शानुहु 10 गुना वापस लौट आएंगे। 10 खर्च किए हैं तो 100 आएंगे। अब ये तिजारत में बरकत होकर आएंगे, हदीये की शक्ल में आएंगे, मीरास में मिलेंगे, कहीं से भी आएंगे। और फिर एक जो खर्च किया है, एक उसके बदले में आखिरत में कम से कम 10 खर्च करने का अजर व सवाब। तो दुनिया में भी 10 दोबारा मिलेंगे और आखिरत में भी 10 खर्च करने का अजर व सवाब एक एक पर। तो 10 खर्च किए तो 100 खर्च करने का सवाब मिला, और 10 खर्च किए तो हत्ताला शानुहु दुनिया ही में दोबारा 100 अता फरमाएंगे। बादिरु बिस्सदकति फइन्नल बलाअ ला यतखत्ताहा। तुम खैरात खूब करो और जल्दी जल्दी करो, इसलिए कि खैरात की वजह से मुसीबतें नहीं आ सकती। इन सदकत तुतफिउ गज़ब अर्रब व तदफउ मीततस्सु। सदके की वजह से हक तआला शानुहु का गुस्सा ठंडा हो जाता है और बुरी मौत से हिफाजत होती है। तो सबसे पहली बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि खर्च करना माल को कम नहीं करता। शैतान तुम्हारे दिमाग में ये वसवसा डालेगा कि 100 में से 10 खर्च करेगा तो माल कम हो जाएगा, 90 रह जाएंगे, मत खर्च करना। और ये ख्याल डालकर खर्च करने से रोकता है, और जब खर्च करने से आदमी रुकता है तो वो जो सारे फवाइद हासिल होने वाले थे खर्च करने के, उससे महरूम हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के वसवसे की तरफ तवज्जो मत करो, मेरे इरशाद की तरफ तवज्जो मत करो, इसलिए कि मेरी जुबान नबुवत वाली जुबान है, सच्ची जुबान है। फिक्र बिल्कुल मत करो, खैरात से माल कम नहीं होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, वमा जाद अल्लाहु अब्दन बिअफ्विन इल्ला इज्जन, इस पर कुछ तफसील के साथ अर्ज करना है। तीसरी बात, वमा तवादा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफाहुल्लाह। जो शख्स भी अल्लाह को राजी करने के लिए तवादु इख्तियार करता है, हम्बल बनता है, छोटा बनता है, प्राइड अरोगेंस तकब्बुर बड़ाई से बचता है, तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये बेचारा घटिया हो गया, इसी के छोटा बनकर रहता है, तवादु से रहता है, हम्बलनेस के साथ रहता है, ह्यूमिलिटी इख्तियार करता है, तो छोटा हो गया, बजाय कुर्सी पर बैठने के नीचे बैठ गया तो छोटा हो गया। कुर्सी पर बैठा हुआ था, कोई मुअज्जज खानदान का फर्द आ गया, ये खड़ा हो गया कि आप तशरीफ रखें, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। तो ऐसा लगता है कि इज्जत में कमी आ गई, छोटे हो गए हम, हमारा मर्तबा पस्त हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए छोटा बनता है और तवाजु इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बड़ा बनाता है, अल्लाह उसे रफा देता फरमाते हैं। मगर किसके लिए? अल्लाह के लिए। अगर कुर्सी इसलिए छोड़ता है कि लोग वाह वाह करेंगे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला रफात नहीं अता फरमाते। ये दो बातें, और बीच में क्या है कि वमा जादल्लाहु अब्दन बिअफ्विन इल्ला इज्जन।
जो शख्स किसी को मुआफ करता है उस मुआफ करने के नतीजे में हक तआला शानुहु उसकी इज्जत में इजाफा ही फरमाते हैं। ये तीनों बातें ऐसी हैं कि इन्हें करते हुए एक किस्म का वसवसा शैतान की तरफ से दिल में आता है कि भाई हम अगर तवाजु इख्तियार करें, हम्बलनेस इख्तियार करें, छोटे बनकर लोगों के सामने रहें तो हमारा मर्तबा घट जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, ये शैतान का वसवसा है, तुम्हारा मर्तबा घटेगा नहीं, तुम्हारा मर्तबा बुलंद होगा, इसलिए कि खालिक कायनात तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करेगा। अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो माल कम हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, ये शैतानी वसवसा है, मैं नबूवत वाली सच्ची जुबान से तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि माल कम नहीं होगा, बढ़ेगा, मेरी बात पर एतमाद करो और खर्च करो। अब एक शख्स ने हमें बहुत सताया, इतना सताया कि हद कर दी, और सरकमस्टांसेस और हालात ने उसे मजबूर किया और वो हमारे पास रहमो करम ढूंढने के लिए आया, माफी मांगने के लिए आया। अब ऐसे मौके पर शैतान दिल में ये वसवसा डालता है कि अगर तू इसे माफ कर देगा ऐसे ही बगैर किसी तस्फीये के, बगैर किसी वजाहत के, बगैर दो चार आदमियों को शरीक किए, तो तेरी इज्जत का तो नीलाम हो ही गया है, तेरी इज्जत तो खाक में मिल ही गई है, और यूं ही तो माफ कर देगा ना, बदला लेना चाहिए, इंतकाम लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ठहर जाओ, माफ तो हम करेंगे मगर फुना को फुना को फुना को जरा यहां बुला लेने दो, उनके सामने तुम माफी मांगो, हमारे सामने उनकी मौजूदगी में, ताकि हमारी भी नाक ऊंची रहे, ताकि हमारी भी एक हैसियत रहे। अगर मैं यूं ही माफ कर दूंगा तो हमारी इज्जत का क्या, हमारी हैसियत का क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह भी शैतानी ख्याल है, जो शख्स किसी को माफ करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा ही फरमाते हैं। जो शख्स किसी को माफ करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा ही फरमाते हैं, और जिसने आपको जलील किया है, जिसने आपको सताया है, उससे आप बदला लेना चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा रिवेंज, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उसे माफ कर दो, सबसे अच्छा रिवेंज यह है। इसलिए कि शरीफ इंसान के दिल पर इसका बहुत भारी असर होता है कि अल्लाहु अकबर, इसने तो मुझे कत्ल कर दिया, इसने मुझे कत्ल कर दिया, इतना मैंने इसे जलील किया और मुझे यूं ही माफ कर दिया, इतने ऊंचे अखलाक वाला आदमी, माफ कर दो, माफ कर दो, बदतर से बदतर सूरत हाल तुम्हारे साथ पेश आ जाए और कोई शख्स तुम्हारे साथ बदतर से बदतर सुलूक करे, उसके साथ तुम हुस्न अखलाक से पेश आओ और उसके साथ मुआफी का बर्ताव करो, और हक तआला शानहु की तरफ से मगफिरत की उम्मीदें रखो। देखो तारीख में ऐसे बेशुमार वाकियात हमें मिलते हैं हमारे असलाफ के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बड़ों के, जिन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें सही और मुसीबतें सहने के बाद उन्होंने मुआफ किया, दरगुजर किया, मगर एक वाकया ऐसा मिलता है जो दिल हिला देने वाला है, दिल हिला देने वाला, और यह वाकया ऐसा है कि अगर वो शख्स जो मजलूमियत का शिकार हुआ है उसने उस मजलूमियत के नतीजे में नाराज होकर जो कदम उठाया था जालिम के खिलाफ, कसूर करने वाले के खिलाफ, तो दुनिया का कोई शख्स ये ना कहता कि यह ज्यादती है, सब कहते कि हां इतना तो होना ही चाहिए, मगर चूंकि वो शख्सियत बहुत ऊंची थी इसलिए
حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر کے یہ حکم کیا کہ تیری شان اتنی اونچی ہے کہ انتقامی جذبہ کم سے کم درجے کا تیری زندگی میں پایا جانا یہ تجھے زیب نہیں دیتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, صدیقہ مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی, ان کے شاگرد ہیں اور بہت زیادہ احترام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کے دل میں. میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, حق تعالی شانہ نے عورت کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. یہ اسلام کے بارے میں خامخواہ ایک غلط تصور پیدا کیا جا چکا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں. حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر عالم ہے, بہت بڑے عالم. وہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احترامن نام نہیں ذکر فرماتے تھے. اتنا احترام تھا دل میں کہ حضرت عائشہ کا ذکر نہیں فرماتے تھے کہ حدثتنی عائشہ, تو کہ مجھے یہ حدیث حضرت عائشہ نے بیان فرمائی, نام نہیں لیتے تھے. عجیب لقب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ استعمال فرماتے تھے, دو لقب, حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق, صدیق کی بیٹی صدیقہ نے مجھ سے بیان فرمایا, صدیق کی بیٹی صدیقہ اس نے میرے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی. ایک تو یہ لقب, اور دوسرا حبیبۃ حبیب اللہ, اللہ کے محبوب کی محبوبہ. صدیق کی بیٹی صدیقہ اور اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے میرے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی, کبھی حدثنی عائشہ نہیں کہتے تھے. اور مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی چھوٹے آدمی نہیں, بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی. عورت جب علم اور عمل تقوا کے میدان میں محنت کرتی ہے تو اتنا اونچا مقام پاتی ہے کہ مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی جیسا جلیل قدر شخص بھی اپنے دل میں اس عورت کی اتنی عظمت پاتا ہے کہ اس کی زبان پر اس کا نام نہیں آ سکتا. صدیقہ رضی اللہ عنہا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ, اور بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ. اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں جب سن شعور کو پہنچی, مجھے کچھ سوجھ بوجھ آئی اور میں سمجھنے لگی, تو اس وقت تک میرے ماں باپ مسلمان ہو چکے تھے, یعنی میں نے میرے ماں باپ کو شرک میں نہیں دیکھا, میرے گھر میں دین آ چکا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے والد سے اس قدر تعلق خاطر تھا کہ روزانہ صبح بھی تشریف لاتے تھے, شام بھی تشریف لاتے تھے ہمارے گھر میں. یعنی اتنی مصروف شخصیت, مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا. کہا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لائے, دوپہر کے وقت تشریف لائے, اور آ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو باہر کر دیجیے, اس لیے کہ میں تم سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بہت ہی پرائیویٹ بات تھی, بہت پرائیویٹ. کیا بات تھی کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے ہجرت کا حکم فرما دیا ہے اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے, اور فلاں دن ہم مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے, اگر یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو اس کا علم ہو جائے, تو پورا جو منصوبہ ہے وہ برباد ہو جائے گا. بہت سیکرٹ, اعلی درجے کی سیکرٹ.
हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को भी इसमें शरीक नहीं किया। तो हजरत अबू बकर से कहा कि घर में जितने लोग हैं सबको बाहर कर दीजिए, मैं तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में इस वक्त सिर्फ दो ही अफराद हैं, अस्मा और आयशा, इन्नमा हुमा इब्नताया, मेरी दो बेटियां ही हैं आयशा और अस्मा। अस्मा जो है वो टीनेजर होगी और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 5-6 साल होगी, 7 साल होगी। मेरी दो बेटियां ही हैं। तो बाप को तो अपनी औलाद के बारे में खुशफहमी हो सकती है कि मेरी बेटियां ऐसी नहीं है कि उन पर एतिमाद न किया जा सके। तो कोई ये कह सकता है कि भाई हजरत अबू बकर ने अपनी बेटियों पर एतिमाद किया, ये कौन सी बड़ी बात है? कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां घर में दूसरा कोई नहीं है, मेरी दो बेटियां ही हैं और मैं ये समझता हूं कि ये इतनी मोहतमद है और भरोसेदार है कि इन्हें घर से निकालने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना हसास, इतना सेंसिटिव, इतना इतनी अहम सीक्रेट इन दो छोटी बच्चियों के सामने बयान फरमाई, तो अल्लाह के नबी को हजरत आयशा पर उस वक्त कितना एतिमाद होगा। और जब नबी के दिल में किसी पर भरोसा आ जाता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। 6-7 साल की लड़की के सामने अगर आप ये बात करें कि हम हिजरत करके जा रहे हैं, हम हिजरत करके जा रहे हैं, खतरा होता है कि कहीं किसी को कह ना दे। मां बाप भी अपनी औलाद के सामने इस किस्म की बातें नहीं करते। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन पर तोहमत लगी, मुनाफिकिन ने तोहमत लगाई के सफवान इब्ने मुअत्तल अस-सुलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनका नाजायज ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर। ये मसला और इसकी संगीनी वो बाप और वो मां ही समझ सकते हैं जिनकी बेटी पर कभी ऐसी तोहमत लगी हो। और हुआ यह था कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्तिंजे के लिए उन्हें जरूरत महसूस हुई और एक जगह पर लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जहां पड़ाव डाला था तो इस्तिंजे के लिए चली गई और ख्याल ये था कि इस्तिंजे से फारिग होकर दोबारा आ जाऊंगी, मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लौटने से पहले ही ऐलान हो गया कि सफर सफर सफर, और अभी वो जंगल में दूर इस्तिंजे के लिए गई थी, वहां से आए उससे पहले काफिला जा चुका था। अब रेगिस्तान का, जंगल बयाबान का सफर, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ज़हीन बहुत ज्यादा थी, वो समझ गई कि अगर मैं काफिले के पीछे पीछे चलती हूं और गलत रुख पे पड़ गई, गलत रास्ते पे पड़ गई तो मुश्किल होगा, इसलिए कि सवारी तो जा चुकी थी और उस जमाने में औरतों को डोली में बिठाया जाता था, हौदज में। और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है नव उम्र, बिल्कुल टीनेजर और हल्की फुल्की थी बदन में भी, तो वो चार मजबूत सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन की टीम उन्हें उठाने के लिए आई तो हौदज को उठा करके ऊंट पे रख दिया, ये समझ करके हजरत आयशा अंदर बैठी हुई है और उन्हें ये पता ही नहीं चला कि हजरत आयशा अंदर नहीं है, और सबर हो गया। अब ये कि वो ऊंटों के ऊपर सफर हो गया, हजरत आयशा पीछे दौड़ती तो कहां जाती। तो हजरत आयशा समझ गई कि रेगिस्तान में सफर करना और काफले से बिछड़ जाना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो बेहतर मेरे लिए यही है कि मैं यही रहूं, इसलिए कि काफिला जब दूसरी मंजिल करेगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में कहीं भी मुझसे बातचीत करने के लिए डोली के पास आएंगे, मुझे नहीं पाएंगे, या दूसरी जगह पर मंजिल करेंगे और लोग मुझे नहीं पाएंगे, औरतें नहीं पाएंगी, तो इत्तला होगी और मुझे ढूंढने के लिए यही आएंगे, तो मैं उनके साथ हो जाऊंगी। ठहर गई वहीं।
हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, नींद आ गई। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़हीन थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल अस-सुलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया था कि तुम्हें लश्कर के पीछे चलने का, एक मील, दो मील, तीन मील के फासले पर। बहुत ज़हीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी ज़हानत। और काफले के पीछे इसलिए चलने का कि काफले वालों में से किसी की कोई कीमती चीज ऊंट पर से अगर गिर जाए तो तुम पीछे से उठाते हुए आ जाओ, इससे कि कीमती चीजें गुम हो जाती हैं सफर में। यह हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला लेटी हुई थी और नींद की वजह से हिजाब खुल गया था चेहरे से, और हिजाब के हुक्म से पहले हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल ने देखा था हजरत आयशा को, तो पहचान लिया कि ये तो आयशा है। तो जैसे ही देखा कि ये आयशा है उम्मुल मुमिनीन, तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो उनके इन्ना लिल्लाह पढ़ने की वजह से मेरी आंख खुल गई, मैं जाग गई और जल्दी जल्दी मैंने अपने चेहरे को ढांप लिया। फरमाती है कि सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सफवान इब्ने मुअत्तल ने एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला पूरे सफर में, इसलिए कि समझते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी है, और यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुजूल भी होता है। और एक आम आदमी अपने उस उस्ताद की बेगम, अपने उस शेख की बेगम, जिस शेख और जिस उस्ताद की दिल में अकीदत और मोहब्बत हो, बुरा ख्याल तक नहीं ला सकता, ये तस्वीर नहीं कर सकता कि कोई बुरा ख्याल आए अपनी, अपने शेख की बीवी और अपने उस्ताद की बीवी के बारे में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के बारे में यह ख्याल आएगा किसी सहाबी को? और फिर ये भी, अगर बदबातिल होता, कोई बदबातिल होता तो कम से कम वही से तो डरता, जब मुनाफिकीन वही से डरा करते थे, मुनाफिकीन वही से डरा करते थे कि अगर हम कुछ कहने जाएंगे तो वही उतर जाएगी और हम पकड़े जाएंगे, तो इन्हें खौफ ना होता। और नऊज़ुबिल्लाह अगर मुंह काला ही करना था तो मुंह काला करके मदीना मुनव्वरा आते या कहीं और चले जाते। उन्होंने बड़ी हिफाजत से आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को पहुंचा दिया लश्कर तक। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सुबह सादिक के वक्त ये काफला जा चुका था, और हम लोग दोपहर को जब गर्मी बड़ी शदीद हो चुकी थी उस वक्त पहुंचे काफले में। अब वो मुनाफिकीन जो थे उन्हें मौका मिल गया कि आयशा इतने घंटों तक गायब रही और सफवान इब्ने मुअत्तल के साथ आई, बस लोगों के जहनों में ये बात बालनी उन्होंने शुरू कर दी, तोहमत लगा दी। ये छोटी बात नहीं थी मेरे भाई, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तहसबूनहु हय्यनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, तुम इस बात को मामूली समझ रहे थे, अल्लाह की नजर में यह बात बहुत भारी थी, बहुत भारी थी। वलौला इज समय तुमू हो कुल तुम मा यकून लना अन नतकल्लम बिहादा सुभानक हादा बुहतानुन अज़ीम, जिस वक्त तुम्हारे कानों में यह बात आई कि तुम्हारे नबी की बीवी ने नऊज़ु बिल्लाह ऐसा काम किया है, तो तुम्हें उस वक्त क्या कहना चाहिए था? तुम्हें यह कहना चाहिए था मा लना अन नतकल्लम बिहादा, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम इस किस्म की बातें करें, सुभानक अल्लाह की जात पाक है, हादा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ी तोहमत है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये बात चल पड़ी, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो बात हमारे कानों में किसी के बारे में आए,
जब तक उसकी दलील हमारे पास मौजूद ना हो उस वक्त तक उस बात को हमें अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए, दलील चाहिए। गौर से सुनो उसूल, हमारे कानों में किसी के बारे में भी कोई बात आए कि फुना औरत का फुना के साथ नाजायज ताल्लुक है, फुना मर्द का फुना के साथ नाजायज ताल्लुक है, फुना की बेटी का फुना के साथ नाजायज ताल्लुक है, फुना चोर है, फुना डाकू है, फुना ऐसा है, फुना ऐसा है, फुना ऐसी है, फुना ऐसी है, कोई किसी की नेगेटिव बात हमारे कानों में आए जब तक हमारे पास उसका प्रूफ ना हो उस वक्त तक हमें उस बात को हमारे दिल दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। और जब हमारे पास प्रूफ होगा तो दिल दिमाग में तो वो बात बैठ ही जाएगी। प्रूफ का क्या मतलब, हमने अपनी आंखों से देखा, अब दिल दिमाग में बात बैठ गई, तो दिल दिमाग में अगर बात बैठ गई है तो उसे दिल दिमाग ही में रहने दो, उसे जुबान पर मत लाओ। काम की बात हुई है, बहुत अहम बात, बगैर दलील के तो दिल दिमाग में उसे जगह ही नहीं देनी चाहिए। जब दिल दिमाग में जगह नहीं देनी है तो जुबान पर लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दलील से आपको पता चल गया कि वाकई इस औरत का, इस मर्द का किसी जगह गलत ताल्लुक है, बस दिल दिमाग ही में रहने दो, उसे जुबान पर मत लाओ, बल्कि दिल दिमाग से भी निकालने की कोशिश करो, उसे भूलने की कोशिश करो। इस किस्म की गंदी चीजें हमारे दिमाग में रहे, हमारे दिल में रहे, क्या जरूरत है ऐसी गंदी चीज की जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मगर इस वक्त हालत क्या है, मार्केट में जो भी जंक हमें मिल जाता है फौरन ले लेते हैं, जो भी बात उड़ रही है, चल रही है, रूमर की शक्ल में है, अफवाह की शक्ल में है, उसे हम जगह दे देते हैं। और कहां जगह देते हैं, हमारे जिस्म के सबसे कीमती उज्व में, दिल में जगह देते हैं, दिल में। और सिर्फ ये नहीं कि दिल में जगह देते हैं, उसे बराबर बिठाते हैं, दिल में खूब जगह देते हैं, और जितना सुना है उस पे और मिर्च मसाले डाल करके उसे जगह देते हैं। जिसने कहा उसने तो एक बात कही थी, उसने हमारी तरफ से चार पांच बातें और मिला ली हमने, और फिर जिस मजलिस में बैठते हैं जुबान से कि तुमने सुना कि नहीं, फुना के यहां ऐसा हो रहा है, किसी को कहना मत। भाई तू जब सबको कह रही है तो वो अगर आगे किसी को कहे तो इसमें हर्ज क्या है, और वो कहेगी, और वो कहेगी, खुद भी गुनहगार होगी और उसके गुना में तुझे भी शरीक करेगी, इसलिए कि मंबा और चश्मा तू है इस बुरी बात का। अल्लाह हिफाजत फरमाए, किसी की बुराई जुबान पर मत लाओ, किसी की जुबान पर बुराई मत लाओ। बदगुमानी, बुरा ख्याल करना, बगैर दलील के किसी के बारे में कोई राय अपने दिल दिमाग में कायम करना, बहुत बड़ा गुना, बहुत बड़ा गुना, बहुत बड़ा गुना। हदीस, सबसे बदतर झूठ यह है कि किसी के बारे में अपने दिल दिमाग में ऐसा ख्याल लाए जिस पर दलील नहीं है हमारे पास। एक शख्स पब में से निकलता हुआ नजर आवा, भाई पब में से निकलता हुआ नजर आया, शराब पीता हुआ तो नजर नहीं आया। अब दिल दिमाग में ये बात आपने बिठा ली कि शराब पीता है, ये बदगुमानी है, सस्पिशियस थॉट है। क्या दलील है कि शराब पीता है, देखा आपने शराब पीते हुए? दो मोतबर आदमियों ने आपको कहा, और मोतबर से क्या मुराद, मुतशर्रे, मुतदय्यिन। और इस किस्म की बातों को सुनने के लिए आपको मुतशर्रे और मुतदय्यिन आदमी कहां मिलेगा, इस किस्म की बातें करने वाला? कोई मुतशर्रे और मुतदय्यिन आदमी आपको कहेगा कि फलां आदमी शराब पीता है? गैर मुतशर्रे, गैर मुतदय्यिन ही ऐसी बातें कहेगा। तो आपने देखा नहीं और सही गवाही नहीं है, आपने अपने दिल में बिठा ली बात। गौर से सुनो इस मसले को, दिल में बात बिठा ली आपने और वो शराब पीकर के ही निकला था, शराब पीकर, मगर आपने देखा नहीं, उसके मुंह से बदबू नहीं आई, किसी मोतबर आदमी ने कहा नहीं, वो नशे में चूर होने की वजह से लड़ खड़ा नहीं रहा था, ऐसे ही दूर से देखा कि पब से निकल रहा है, आपने दिल में, और हकीकत में शराब पीता था, मगर आपने नहीं देखा, आपके पास प्रूफ नहीं है। कयामत के दिन हत्ता आला शानहु आपसे सवाल करेंगे कि तुमने मेरे एक बंदे के बारे में अपने दिल दिमाग में
ये राय कायम कर ली थी कि फुना आदमी शराब पीता है, उस पर दलील पेश करो, दलील पेश करो। अगर आप दलील न पेश कर सके तो आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा, हालांकि वो शराबी है, हालांकि वो शराबी है। आपको ये कहा जाएगा कि वो शराबी था अपनी जगह पर, मैंने तुम्हें ये हुक्म किया था कि अपने दिल दिमाग में किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल मत जमाओ जब तक कि दलील ना हो। तुम्हारे पास दलील क्या है? तुमने ये क्यों जमाया था अपने दिल दिमाग में? अच्छा, एक शख्स शराब पी करके निकला पब में से, बू नहीं आ रही है, लड़खड़ा नहीं रहा है, कोई गवाह नहीं है, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, और आपने दिल को समझा दिया कि भाई ये आदमी तो ऐसा नहीं है कि ये शराब पिए, शायद अंदर किसी और काम के लिए गया होगा, शायद किसी को बुलाने के लिए गया होगा, शायद कोई और शराबी होगा जिसको तलाश करने के लिए गया होगा, शायद किसी को समझाने के लिए, आपने समझा लिया, हालांकि वो शराबी है। कयामत के दिन हत्ता अला शानहु आपको ये नहीं पूछेंगे कि तुमने अपने मुमिन भाई के बारे में पॉजिटिव ख्याल अपने दिल में पैदा किया था, उस पर दलील किया है, नहीं पूछेंगे, बल्कि इस ख्याल की वजह से जन्नत अदा फरमाएंगे। तो हमारे पास दो चॉइस है कि किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल दिल में लाओ या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव ख्याल लाए तो दलील पेश करनी पड़ेगी, और पॉजिटिव ख्याल लाए तो बगैर दलील के जन्नत। तो हमें कौन सा ख्याल दिल में पैदा करना चाहिए? मुफ्त में, चाहे वो बुरा है, आपने अच्छा ख्याल रखा एक मोमिन के बारे में, ज़ल्लू बिल मोमिनी न खैरा, हदीस में हुक्म हुआ है कि तुम अपने मोमिन भाइयों और मोमिन बहनों के बारे में उम्दा उम्दा ख्याल रखो, अच्छे अच्छे ख्याल रखो। हमेशा हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव पॉइंट निकालने की कोशिश करो, पॉजिटिव पॉइंट। दो आदमी दूर आपको देख करके कोई बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ईरान की, तुरान की, बस आपने अपने दिल में यह ख्याल पैदा कर लिया कि इन दोनों को मुझसे मुखालफत है, मेरी ही बात कर रहे हैं, तो क्या दलील है आपके पास? एक साहिब रास्ते में से आपके पास से गुजरे, आपने सलाम किया, उसने जवाब हल्की आवाज में दिया, यही कि जवाब नहीं दिया। पॉजिटिव सोच रखो कि मुमकिन है कि बेचारा किसी स्ट्रेस में होगा, कोई टेंशन में होगा, उसे महसूस ही नहीं हुआ होगा कि मैंने सलाम किया, अपनी सोच में जा रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि मैं था। ऐसा होता है, होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, कोई फिक्र होती है। अभी जामिया के सफर में, मस्तूरात में हमारा बयान हुआ, तो वहां की एक मस्जिद के इमाम साहिब भी उसमें तशरीफ लाए प्रोग्राम में, हालांकि मर्दों के लिए प्रोग्राम नहीं था, तो वो बेचारे मोहब्बत से तशरीफ लाए, तो अखलाक का तकाजा ये था कि हम भी बयान के बाद उनसे मोहब्बत से मिल दें, इसलिए कि वहां की एक मस्जिद के अइम्मा में से है वो। तो बयान के दौरान मेरी तबीयत पर उसका असर रहा कि ये बयान तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है, और ये आलिम दीन है, यहां की एक अहम मस्जिद के इमाम है, इन्हें तो इस बयान में आने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर देखो फिर भी बेचारे मेरी मोहब्बत में आए, तो दिल पर असर रहा मेरा, पूरे बयान में, पूरे बयान में असर रहा, और पूरे बयान में यह ख्याल आता रहा कि बयान से फारिग होने के बाद सबसे पहला काम यह करूंगा कि इनसे मुसाफा और मुआना का करूंगा। मगर हुआ ये कि एक साहिब मुझसे मिलना चाहते थे, और उन्हें एयरपोर्ट के लिए 12:15 बजे रवाना होना था, और उनको मैंने 11:30 बजे का वक्त दिया था, और वो नजर नहीं आए, तो बयान चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये सोच करके वो आएंगे तो मैं बयान खत्म कर दूंगा, और तकरीबन 11:15, 12:10 में वो बयान खत्म हुआ, और दुआ में मशगूल हो गए, तो दुआ की वजह से वो 12 के ऊपर मसला चला गया। जब दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि वो साहिब आए हुए हैं। अब मेरे दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार थी कि ये साहिब दूसरे मुल्क में अभी जा रहे हैं, इनको 12:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है, और ये मुझसे बहुत अहम बात करना चाहते हैं, तो मुझे सबसे पहले इनसे मिलना चाहिए। तो वो ख्याल इतना सवार हो गया मेरे जहन पर कि बयान में कौन आया है, कौन नहीं, कहां है, कुछ मुझे याद नहीं रहा, और मैं सीधा निकल गया मस्जिद से बाहर, और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जब मैं उनसे फारिग हुआ तो उसके बाद जब
वो ख्याल उनकी बात सुनने का जो था वो जब दूर हुआ तो अचानक मेरे दिल पर सदमा हुआ कि वो मौलाना बेचारे बड़ी मोहब्बत से आए और हमने तो उनको सलाम तक नहीं किया। ऐसा होता है कभी कभी, अब बदगुमानी में मुब्तला हो जाना कि ये मेरे पास से गुजरे और मुझे सलाम नहीं किया, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो कोई महसूस नहीं किया, वो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बदस्तूर आते रहे। फिर जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि माफ कीजिए, मुझे बहुत नदामत है, शर्मिंदगी है, मगर मैं बिल्कुल ख्याल ही से निकल गई बात और मैं जल्दी जल्दी में उन साहिब की वजह से चला गया। हमेशा हुस्ने ज़न का पहलू निकालो, अच्छे गुमान का पहलू निकालो। तो बात चल पड़ी, मुनाफिकीन ने चला दी। बात यही होती है मेरी माओ और मेरी बहनों कि जिसकी बात चलती है उसका कोई दुश्मन चला देता है और उस एक दुश्मन की वजह से पूरी कौम आफत में मुब्तला हो जाती है। चल पड़ी बात। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को उसका कुछ पता नहीं, इसलिए कि जब किसी पर तोहमत लगाई जाती है तो पूरी बस्ती में और कम्युनिटी में वो बात गरजती रहती है, मगर जो मुब्तला भी है उसको सबसे आखिर में पता चलता है। हजरत आयशा को खुद पता नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि लंबे सफर से वापसी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच करके मैं बुखार में मुब्तला हो गई, बीमार हो गई, और पूरे मदीना मुनव्वरा में मेरे बारे में ये बात चल रही थी और मुझे इसका जर्रा बराबर एहसास नहीं था। बस इतना मुझे थोड़ा दिल में एहसास हो रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं बीमार होती थी उस बीमारी में मेरे साथ जिस लुत्फ करम का मुआमला फरमाते थे उसमें कुछ कमी है। तशरीफ लाते थे घर में और कहते थे कई फतीकुम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं कहती थी कि मेरी तबीयत ऐसी है, बस निकल जाते थे खैर खबर पूछकर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे कि भाई बात ऐसी चल पड़ी है, अब इसका सुराग कैसे लगाए, पता कैसे चले। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इसकी इत्तला हुई और जब इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मेरे माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ उनकी मुलाकात के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, गई और बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मेरी माओ मेरी बहनों सोचो कि एक अफीफा औरत, पाक दामन औरत, और पाक दामन और अफीफा भी आला दर्जे की, एक अदना दर्जे की पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगती है। हमेशा ये दस्तूर है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब बेकसूर के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख। और फिर ये कि वो बेकसूर आला दर्जे की हो, और कितनी बेकसूर, कितनी बेकसूर, कितनी बेकसूर, और कितनी पाक दामन, कितनी पाक दामन, कितनी पाक दामन, इतनी पाक दामन के खुद हक तआला शानहु ने कुरान मजीद में उनकी पाक दामनी का ऐलान फरमाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अपने बारे में मुझे यह एहसास नहीं था कि अल्लाह की नजर में मेरा इतना ऊंचा मकाम है कि हक तआला शानहु कुरान मजीद में मेरी बरात को जाहिर फरमाएंगे। मैं तो ये समझ रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखेंगे और ख्वाब में अल्लाह उनको बतला देंगे, दिल में इल्का फरमा देंगे। मुझे पता नहीं था कि हक तआला शानहु मेरे बारे में दो रुकू नाजिल फरमाएंगे। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मग़फिरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आयत उतरी। अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, वल खबीसून लिल खबीसात और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए, अब तय्यबातु लित्तय्यिबीन और पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिए, वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए। हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाया करते थे कि हक तआला शानहु ने इस आयत में यह ऐलान फरमाया कि अगर कोई आयशा का मकाम पहचानना चाहता है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम को देखे।
इसलिए कि पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए, पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिए। जितने मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकीजा हैं उनकी बीबियां भी इतनी ही पाकीजा हैं। उलाई का मुबर्रऊन मिम्मा यकुलून, ये लोग बरी हैं उन इल्जामात से जो लोग इन पर लगा रहे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ये तो बख्शे बख्शाए हुए लोग हैं और हक़ तआला शानुहु इन्हें आखिरत में बहुत कुछ देने वाला है। और जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उनके बारे में हक़ तआला शानुहु ने जबरदस्त वईद बयान फरमाई, जबरदस्त वईद। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सो नहीं सकती थी। वो फरमाती है कि एक रात गुजरी बिल्कुल नहीं सोई, 24 घंटे 48 घंटे हो गए बिल्कुल नहीं सोई, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहते ये कैफियत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा देखो तुम मुझे सच सच बता दो। अल्लाहु अकबर, क्या गुजरी होगी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना। शौहर ये कहे अपनी बीवी से कि तुम सच सच बता दो, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी के दिल में भी ये बात उतर गई है, उन्हें भी शक हो गया है। मगर ये बात नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने का मंशा ये था कि अगर आयशा मुझसे ये कह देती है कि ऐसा नहीं है, बस उसी को बुनियाद बना करके आगे काम करना, इसलिए कि वही भी नहीं उतर रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने से मशवरा हुआ, हजरत अली से मशवरा हुआ, हजरत बरीरा से मशवरा हुआ, हजरत जैद से मशवरा हुआ, मशवरे भी हो रहे हैं कि भाई क्या, हजरत अबू बकर से तो मशवरा कर नहीं सकते थे, इसलिए उनकी तो बेटी थी। खामोश उम्मे रुमान भी खामोश, हजरत अबू बकर भी खामोश, मां बाप दोनों खामोश। और आयशा फरमाती है कि मैं रो रही हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा सच सच बता दो, अगर तुमसे ये कसूर नहीं हुआ है तो बता दो, और अगर कसूर हुआ है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम तौबा करो अल्लाह तौबा को कबूल फरमा लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपने वालिद की तरफ देखा और मैंने कहा कि ये मेरे अब्बा अजीब रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी को इसका जवाब दीजिए। कहते हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैं क्या कहूं, अल्लाह के नबी के सामने मैं क्या अर्ज करूं, नजरा बहुत नाजुक, एक तरफ बेटी दूसरी तरफ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी के जहन में क्या बात है उसका हमें पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बेटी की दिफा में ऐसी कोई बात कह दें जो अल्लाह के नबी के दिल पर गिरा गुजरे। मकाम देखिए हजरत अबू बकर का, 100% यकीन था कि मेरी बेटी बिल्कुल पाक दामन है, मेरी बेटी बिल्कुल बेकसूर है, मगर ऐसी कोई बात हम कह दें जो हजरत की तबीयत के खिलाफ हो, खामोश। कहा कि मैंने मेरी वालिदा की तरफ देखकर कहा कि अजीब ही रसूल अल्लाह, ये मेरी अम्मी जान तुम जवाब दो अल्लाह के रसूल, खामोश। वो भी कहते हैं कि मैं क्या कहूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख करके कहा कि असल में बात यह है कि लोगों में बात चली, लोगों में बात चली मेरे बारे में और तुम लोगों ने उसे सच मानकर अपने दिल में बिठा लिया है। अब अगर मैं ये कहती हूं कि मैंने ये काम नहीं किया है जो कि हक है तो तुम उसको तस्लीम नहीं करोगे, और अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये काम किया है तो तुम मेरी तस्दीक करोगे मगर ये हकीकत के खिलाफ होगा, तो मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं वही बात कहूं जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी, फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। इससे मेरे भाइयों अंदाजा होता है कि कुरान पर नजर कितनी थी। इस गम कर्ब बेचैनी में पूरे कुरान मजीद से सबसे बेहतर नमूने का इंतखाब करना और सबसे बेहतर आयत का इंतखाब करना कोई बड़ा अल्लामा भी हमारे जमाने में न कर सकता, इस कर्बो बेचैनी के आलम में। और हजरत आयशा फरमाती हैं खुद कितनी कर्बो बेचैनी में थी वो देखिए,
यानी इसी से उनके इल्म का अंदाजा होता है कि कुरान से कितना ताल्लुक था। वो ये कहते हैं कि उस वक्त इतनी कर्ब बेचैनी में थी कि मेरे दिमाग में यूसुफ के वालिद याकूब का नाम भी नहीं आया, तो मुझे ये कहना पड़ा कि मेरी हालत तो बिल्कुल यूसुफ के बाप जैसी है, याकूब जहन में नहीं आया उस वक्त, मेरी हालत तो बिल्कुल यूसुफ के बाप जैसी है जिन्होंने ये कहा था कि फसबरुन जमील, मैं ऐसा सब्र करूंगी जिसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं अल्लाह से, वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफुन, और मेरे बारे में जो कुछ लोग बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है। ये हजरत आयशा की कैफियत। हजरत अबू बकर पर क्या गुजरी होगी मेरे भाइयों, मां बाप ही इसको समझ सकते हैं, और खासतौर पर वो मां बाप जो इस मरहले से गुजरे हो। बेटी की तलाक हो जाती है, बेटी को इतना दुख नहीं पहुंचता जितना मां बाप को पहुंचता है। बेटी की औलाद का इंतकाल हो जाता है, बेटी के लखते जिगर के खोए जाने पर बेटी के दिल को इतना दुख नहीं पहुंचता जितना बेटी के मां बाप को पहुंचता है। एक अजीब यह रिश्ता होता है मां बाप और बेटी का, तड़प जाते हैं मां बाप। शौहर और बीवी में कुछ कश्मकश चल रही होती है तो तलाक के तस्वूर से बेटी इतना नहीं घबराती जितने मां बाप घबराते हैं, हिल जाता है उनका दिल। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआमला, ये इल्जाम लगा हुआ है, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आखिरत के नुक्ते नजर से देखते हैं कि अगर हमारी बेटी अल्लाह के नबी की नजर से गिर गई, खुदा की कसम न उठ सकेगा कयामत तक जिसे तूने अपनी नजरों से गिरा के छोड़ दिया। दुनिया में तो तलाक हो जाएगी मगर मेरी बेटी अगर अल्लाह के नबी की नजर से गिर गई तो उसकी आखिरत का क्या होगा। ये सारे तसव्वुरात। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि बस मैंने ये कहा कि फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, अल्लाह के नबी अपनी जगह पर बैठे हैं, हजरत अबू बकर अपनी जगह पर बैठे हैं, हजरत उम्मे रुमान अपनी जगह पर बैठे हैं, मैं अपनी जगह पर बैठी हूं, और अभी कोई वहां से हिला भी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी, हत्ता अला शानहु की नुसरत आई। रज़ा आयशा फरमाती है कि मुझे तो यह ख्याल भी नहीं था कि मेरे बारे में कोई कुरान मजीद की आयत उतरेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैफियत में रहे और उस कैफियत से खत्म होने के बाद आपने गर्दन सर उठाया और सर उठाकर कहा कि ए आयशा खुशखबरी हासिल करो, अब शरिया आयशत, अब शरिया आयशत, अब शरिया आयशत। तो मेरी वालिदा ने कहा कि ए आयशा उठ और अल्लाह के रसूल के पास चली जाए जल्दी से। तो उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा मकाम नाज में थी, जब हत्ताला शानू ने इतना बड़ा करम फरमाया था, मकाम नाज में थी उस वक्त, एक उम्मत की हैसियत से पेश नहीं आई अल्लाह के रसूल के साथ, एक बीवी की हैसियत से पेश आई अपने शोहर के साथ, और कहा कि ना मैं उनके पास उठ करके नहीं जाऊंगी इसलिए कि इनका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं, एहसान तो मेरे अल्लाह का है जिसने मुझे क्लियर किया है, ये तो मुझे पूछने के लिए आए थे, एहसान किसी का नहीं है, एहसान मेरे अल्लाह का है। ये जो पूरा कजिया था, ये पूरा कजिया जो मुनाफिकीन की तरफ से उठाया गया था, और सबसे बड़ा बदमाश अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल था, अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल, मुनाफिकीन में खूब बातें चली, वो मजलिस जमाता था, इससे कि ये कई दिनों तक कजिया रहा, और हक ताला शानहु ऐसे हालात पैदा करते हैं लोगों की आजमाइश के लिए, इसलिए जब भी किसी के बारे में मार्केट में बस्ती में लोगों में कोई बात चले तो इसे आजमाइश समझकर अपनी जुबानों को बंद रखो, इस किस्म की महफिलों में मत बैठो। वो बैठता था और बात छेड़ता था कि आयशा के बारे में कुछ बात चल रही है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। इसमें भोले भाले चंद मुसलमान भी आ गए। इन भोले भाले मुसलमानों में से एक थे हजरत मिस्ताह इब्ने उसासा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी हजरत मिस्ताह, और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार थे, गरीब थे, फकीर थे, मिस्कीन थे, और इन्हें पूरा सपोर्ट करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। मगर जब हजरत आयशा के खिलाफ बात चली तो हजरत मिस्ताह भी भोले भाले थे, उनके कान किसी ने भरे, उन्हें चाबी किसी ने चढ़ाई तो वो भी जहां जाते थे ये बात शुरू कर देते थे, आयशा को देखो
अल्लाह के नबी की बीवी होकर के क्या कर रही है। अब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत आयशा का पल्ला भारी हो गया, मामला सारा साफ हो गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और तो कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया कि वल्लाह ला उनफिको अला मिस्तहिन अबदा, बस ये जुमला निकला सिर्फ कि खुदा की कसम आज के बाद में मिस्तह के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। अब मेरे भाइयों सोचो क्या गुजरी, किन हालात से बाप को गुजरना पड़ा, इसके नतीजे में अगर इतना हजरत अबू बकर ने कह दिया तो क्या हुआ। ये कोई फर्ज नहीं था, वाजिब नहीं था, एक लिल्लाह जो ताउन कर रहे थे, अगर इस वाकिए के बगैर भी रुक जाते तो कोई हर्ज नहीं था। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम में मिस्ता पर अब से एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। कुरान मजीद ने और हक तआला शानहु ने हजरत अबू बकर के इस सरकमस्टांस की भी रियायत नहीं की। क्यों? इससे कि बड़े आदमी को यह जेब नहीं देता कि वो मुआफ न करे। आयत उतरी वला यातल उलुल फजल मिनकुम बसा अयूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन वलियाफू वलियस्फहू वलियाफू वलियस्फहू। यहां उलुल फजल कहा गया, उलुल फजल जो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के कायल नहीं है, उन्हें कुरान मजीद की इस आयत पर गौर करना चाहिए कि खुदा खुद खुद कहता है कि अबू बकर साहिब फजल है, फजीलत वाला है। वला यातल उलुल फजल मिनकुम, तुम में से जो फजीलत वाले लोग हैं, जो अहले फजल हैं, उन्हें इस किस्म की कस्में नहीं खानी चाहिए। अय्यूतु उलुल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि वो रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करेंगे, मिस्कीनों पर खर्च नहीं करेंगे और मुहाजिरीन पर खर्च नहीं करेंगे। उन्हें क्या करना चाहिए? वलियाफू वलियस्फहू, उन्हें तो माफ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए, माफ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। और फिर हजरत अबू बकर को सवाल किया जा रहा है, अला तुहिब्बून अन यगफिर अल्लाह लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तुम ये पसंद करते हो कि नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तुमसे अगर गलती हो जाए और तुम अल्लाह से ये चाहते हो कि वो तुम्हें माफ करे, जबकि उसके तुम्हारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, तो उसके बेशुमार एहसानात के बावजूद भी अगर तुमसे गलती हो जाए और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तो जिस पर तुम्हारे एहसानात हैं अगर वो भी गलती करे तो फिर तुम्हें उसे भी माफ कर देना चाहिए। अल्लाह तुहिब्बू ना यगफिर अल्लाह लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें बख्श दिया जाए, माफ कर दिया जाए? देखो मेरे भाइयों, इतनी तंगी, इतना जुल्म, इतनी बेकरारी और कर्ब बेचैनी से गुजरना पड़ा, उसके बावजूद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हक तआला शानहु ने यह इजाजत नहीं दी कि थोड़ा सा भी इंतकाम ले, बल्कि कहा कि ना माफ कर दो, और माफ करने के बारे में भी जरा तंबी, अला तुहिब्बू ना यगफिर अल्लाह लकुम, क्या तुम ये चाहते हो कि नहीं कि हक तआला शानहु तुम्हें बख्श दे, तुम्हारे साथ बख्शिश का मामला करे? अगर तुम ये चाहते हो तो तुम भी इसी तरह का मामला करो। तो माफ करना सीखो, माफ करना, माफ करना सीखो। गुज़िश्ता कल हमारे माहाना तज़किया और तरबिया के प्रोग्राम में इसी हदीस में गुफ्तगू हो रही थी, और उसमें मैंने फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम के उसवे पर अमल करके जो लोगों को माफ किया था उसका तज़किरा किया था। तो यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम कितनी मशक्कतों से गुजरे, कितनी परेशानियों से गुजरे, हसद भाइयों का, भाइयों ने इत्तेफाक कर लिया, अपने बाप से अलग कर दिया, अपने भाई बिन्यामीन से अलग कर दिया, कुएं में डाल दिया, फिर बिन्यामीन के ऊपर इल्जाम लगाया, और कितने सालों तक बाप से दूर रखा, कितने सालों तक। मगर जब हक तआला शानहु ने इजाजत दी तो भाइयों को हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा कि हल आलिम तुम मा फाल तुम बि यूसुफ व अखीहि इज अंतुम जाहिलून, अरे भाई तुम मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हें मालूम भी है कि नहीं कि तुमने यूसुफ और यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ क्या मामला किया था जब तुम जरा नावाकिफ थे, नादान थे। गौर से कुरान मजीद के उसलूब पर गौर करो और पैगंबर की जुबान में गौर करो
सिर्फ इतना नहीं कहता हल हल अलिम तुम मा फअल तुम बियूसुफ व अखी है, हल अलिम तुम मा फअल तुम बियूसुफ। अब तक तो भाई आते जाते रहे और हजरत यूसुफ सबर करके बैठे रहे, कुछ कह नहीं सके, मगर अल्लाह ने इजाजत दे दी कि हाँ अब रास फाश करने का वक्त आ गया। तो उस वक्त भी कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था, और उजर भी अपनी तरफ से पेश कर दिया कि अंतुम जाहिलून, उस वक्त तुम नादान थे। ये नादानी की वजह से हुआ है, फिक्र मत करो, खुद का ईद अंतुम जाहिलून। बहुत गौर और फिक्र करने की चीजें हैं मेरे भाइयों। ये हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, हदीसों को पढ़ते हैं, गौर नहीं करते। पैगंबर का उसलूब देखिए, हल अलिम तुम मा फ़अल तुम बियूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून, कालू अइन्नका लअंता यूसुफ, आप यूसुफ हैं, समझ गए कि ये तो यूसुफ किसी और, किसी को मालूम नहीं। قال انا يوسف وهذا اخي, हां मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। قد من الله علينا, तुमने तो हमसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने हम पे एहसान फरमाया। और आगे कहा कि मेरे भाइयों, मैं और बिन्यामीन कामयाब जिन आमाल की वजह से हुए हैं उनको तुम भी अपनाओ। इन्नहु मन यत्तकी वयस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो तकवा इख्तियार करता है, मुसीबतों पे सब्र करता है, अल्लाह ताला उसे तरक्की देते हैं। तो उन्होंने कहा कि तल्लाहि लकद आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिइन, अल्लाह की कसम अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर तरजीह दी, फजीलत दी और हम ही गलती पर थे। तो कहा कि ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि माफ कर दो, सिर्फ नदामत और पशीमानी। तो कहा ला तसरीब अलैकुम, तुम पर कोई सरजनिश नहीं, यग़फिरुल्लाहु लकुम, पर इतना ही नहीं कि मैं माफ कर रहा हूं, अल्लाह तुमको माफ कर दे। वह अरहमुर रहीमीन, बात हो गई, जाओ मेरे वालिद को लेकर के यहां आ जाओ, पूरा खानदान यहां आ जाओ। बहुत अजीब नुक्ता है, गौर से सुनिए। आए आए वरफा अबवैह अलल अर्श वखरु लहू सुज्जदा, फैमिली पूरी जमा हो गई, मां बाप को बड़े इकराम और एहतराम से तख्त पर बिठाया और सबके सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। 11 भाई और याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी और याकूब अलैहिस्सलाम की बेगम भी, मां बाप दोनों और 11 भाई। वह खर्रु लहू सुज्जदा, उनकी शरीयत में ताजीम और इकराम से किसी के सामने झुकना जायज था, झुक गए उनके सामने। अब सज्दे में गिर गए या रुकू कर लिया, जो भी झुकने का अंदाज होगा। तो जल्दी जल्दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मां बाप को उठाया कि क्या कर रहे हैं आप, मैं तो आपका बेटा, आप इस तरह मेरे सामने झुक गए। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अबती हादा तावीलु रुयाया मिन कब्ल कद जअलहा रब्बी हक्का, ये मेरे अब्बा, ये उसी ख्वाब की तो ताबीर है जो मैंने बचपन में देखी थी। इन्नी राई तो अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल कमर, मैंने 11 सितारों को, सूरज और चांद को देखा कि मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। तो आप सूरज, मेरी मां चांद और ये मेरे भाई सितारे। अब देखिए कितने सालों के बाद मिले, कितने सालों के बाद मिले, हम होते तो शिकवे का पहाड़ बुलंद कर देते कि अब्बा मेरे भाइयों ने ये किया, देखो ना इनको, इन्होंने ये किया ना। क्या कहा, इस पूरे वाकिए का मुस्बत पहलू, नेगेटिव पहलू को बिल्कुल जिक्र नहीं किया। वकद अहसन बी इज अखरजनी मिनस सिजन, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया जब उसने मुझे कैद खाने से निकाल दिया। ये जिक्र नहीं किया कि मुझे कैद खाने में डाला और 11 साल तक वहां रहना पड़ा या 9 साल तक रहना पड़ा, इतनी मशक्कत हुई, इस तरह ना। जो पॉजिटिव पॉइंट, वकद अखरज इज अहसन बी, वकद अहसन बी इज अखरजनी मिनस सिजन वजा बिकुम मिनल बद्व, और अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया कि आपको देहात से मुझ तक पहुंचा दिया और हमारी मुलाकात करा दी। ये जिक्र नहीं किया कि मेरे भाइयों की वजह से हम इतने साल तक दूर रहे, इसका कोई जिक्र नहीं। और भाइयों की तरफ से उजर पेश कर दिया, मिम्बाद अन नज़ग शैतान बैनी व बैन इख्वती, हम अब साथ हो गए
بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تفریق کرا دی تھی. بھائیوں نے کچھ نہیں کیا, شیطان نے کیا. یہ معاف کرنے کا جذبہ میرے بھائیوں ہونا چاہیے ہمارے اندر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی ابن حسین اور لقب ان کا زین العابدین ہے, تو ان کی ایک باندی تھی. آپ نے باندی سے کہا کہ جاؤ جا کر کے پانی لے آؤ وضو کرنے کے لیے. اب وہ پانی لے کر کے آئی اور جس گھڑے میں پانی لے کر گئے وہ گھڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا, چھوٹ گیا, نیچے گرا, ٹوٹ گیا, اور پانی جو پانی کے چھینٹے ان کے کرتے کے اوپر اور جبے کے اوپر کیچڑ کو لے کر کے اچھلے, پورا کرتا گندا ہو گیا. اب ایک انسانی فطرت ہے کہ غصہ ایک دم آ جاتا ہے. اور اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سلیمان ابن مہران رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ کھانے کے لیے سالن لاؤ. اب وہ سالن لے کر کے آئی, پیالہ ہاتھ میں سے چھوٹا, وہ گرا اور ان کے کپڑے خراب ہو گئے. دونوں کا ایک ہی قسم کا واقعہ. ادھر باندھی وہ بھی ہوشیار تھی, ادھر والی باندھی بھی ہوشیار تھی, دونوں کو پتا نہیں ہے ایک دوسرے کے واقعے کا. تو سوچا کہ یہ حضرت امام زین العابدین تو بہت نیک آدمی ہے, اس نے بھی سوچا کہ سلیمان ابن مہران تو بہت نیک آدمی ہے. تو کہنے لگی کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور متقین کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ. متقین وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو کہا کہ قدم تو غیظی, میں میرے غصے کو پی گیا. تو کہا حق تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہا کہ بھئی یا عفوت عنکی, میں نے تجھے معاف کر دیا. تو کہا حق تعالی شانہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو کہا جا بے انت حرۃ لوجہ اللہ, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. دیکھو یہ معاف کرنے کا جذبہ, یہ معاف کرنے کا جذبہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہونا چاہیے. غصہ آئے غصے کو کنٹرول کرو, غصہ آئے غصے کو کنٹرول کرو اور لوگوں کو معاف کرو. دل میلا لے کر زندگی بھر مت چلتے رہو, مت چلتے رہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مسند پر ہیں اور اپنے زمانے کے خلیفہ حضرت عمر وغیرہ سب ان کے سامنے جھکتے ہیں, سب ان کے سامنے جھکتے ہیں. ایک صاحب آئے اور بہت برا بھلا کہنا شروع کیا. حضرت ابو بکر نے سب کو اشارہ کر دیا کہ کچھ مت بولو, بہت برا بھلا کہا, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تمہاری یہ حرکتیں ہیں, تمہاری یہ بری عادتیں ہیں. اب جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, ایک بولتا رہے دوسرا خاموش رہے, تو وہ کب تک بولتا رہے گا؟ اگر آپ نے ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا, ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا, تو جھگڑا ایک ڈیڑھ گھنٹے تک چلے گا. اور ایک غصے ہو گیا اور دوسرا خاموشی سے سنتا رہے, تو پانچ منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ کب تک بولتا رہے گا؟ اب بہت بولا, جب تھک گیا تو خاموش رہا. جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اگر آپ فارغ ہو گئے ہو تو میں بھی کچھ کہوں. اب وہ تو بالکل ٹھنڈا پڑ ہی چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اگر وہ میرے اندر ہے اور وہ سچ ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, اور تو نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے اور میرے اندر نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے. کیا جذبہ, کیا جذبہ, کیسی خیر خواہی کا جذبہ اور تواضع کی انتہا. اگر ہم ہوتے اور بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی تو نے جو کچھ کہا وہ تو میرے اندر نہیں ہے الحمدللہ, مگر چل کوئی بات نہیں, میں نے تجھے معاف کر دیا. مگر انداز دیکھیے کہ تو نے جو کچھ کہا وہ اگر میرے اندر ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر وہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو چونکہ تو نے غلط کہا ہے اس لیے تو نے گناہ کیا, تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف فرما. ہمارے اندر یہ معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, جو شخص
معاف کرتا ہے دوسروں کو تو حق تعالی شانہ معاف کرنے کے نتیجے میں اس کی عزت کو چار چاند لگاتے ہیں. انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے, صلحاء کا یہی طریقہ رہا ہے, انبیاء کے وارثین کا یہی طریقہ رہا ہے. اصول یاد رکھو کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو جلدی جلدی معافی مانگو, اور معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک چھوڑو مت جب تک کہ اس کا دل راضی نہ ہو جائے. ایک تو ہے کہ معافی مانگ لی, اس کو قائل کرو معافی مانگ لی, اب اس نے معاف کر دیا, معاف کرنے کے بعد آپ کا بیہیویئر ایسا کر دو کہ اس کے دل میں تھوڑا بہت دکھ ہے, زخم ہے, وہ بھی مندمر ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کو ستاتا ہے اور پھر رو پڑتا ہے کہ ابا مجھے معاف کر دو, میں نے غلطی کی, مجھے آپ کے ساتھ ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی باپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, معاف کر دیا. باپ نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے تو سب کچھ پہلے سے ہی معاف کر رکھا ہے, تو میرا بیٹا ہے, تجھے جہنم میں لے جا کر میں کیا کروں گا. مگر ایک ہے معاف کرنا, دوسرا ہے دل کو زخم پہنچنا. اب بیٹے نے معافی مانگ لی مگر باپ کے دل میں زخم ہوگا, اسی لیے وہ کولڈ شولڈر سے پیش آئے گا, اتنی بشاشت سے پیش نہیں آ سکے گا, اس لیے کہ ہیومن نیچر ہے. تو کیا کرنا چاہیے, بیٹے کو اس طرح رہنا چاہیے, ایکسٹرا کیئرفل, اوور کیئرفل, کہ باپ کا دل خوش ہو جائے, باپ کا دل خوش ہو جائے. اور باپ کی باڈی لینگویج سے پتا چلے کہ نہیں میرے باپ کے دل پر اب وہ پرانا اثر نہیں رہا ہے. تو ہماری غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے, کسی کے دل میں رنجش مت رکھو. اور اگر ہمیں کوئی ستائے, ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے, تو اسے معاف کر دو, اس کی معافی مانگے بغیر, معافی مانگے بغیر. اور دو باتیں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کی کچھ نیکیاں ہمیں مل جائے گی, یہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ تو دوسرا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو اس کے اجر و ثواب میں سے کچھ ہمیں آخرت میں مل جائے گا, مگر جب تک ہم معاف نہیں کریں گے اس وقت تک دل میں یہ چھوبن ہمیں رہے گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے, تو پوری زندگی ہماری بے سکونی سے گزرے گی. اور اگر ہم معاف کر دیں گے معاف, تو بے سکونی ختم ہو جائے گی, دل کو سکون ملے گا, اور معاف کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اس سے زیادہ ملے گا جو حق تعالی شانہ اس سے دلوائیں گے. اور حق تعالی شانہ کہیں گے کہ یہ مخلوق ہو کر کے میرے بندوں کو معاف کرتا ہے, تو میں خالق ہو کر اسے معاف کیوں نہ کروں. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات, ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, بہت اونچے اونچے اوصاف کے مالک تھے, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے, بہت کم لوگوں کو دیکھا جن میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں اس زمانے میں جو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ میں تھے. تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی زندگی کو مختصر لفظوں میں میرے سامنے بیان کرو کہ تمہارے والد صاحب کے کیا اوصاف تھے, کیا اخلاق تھے. اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بہت نیک تھے. تو میں نے سوچا کہ والد صاحب کے بارے میں حضرت کو میں کیا کہوں, اس لیے کہ وہ تو بہت اوصاف کے مالک تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ہمارے والد صاحب کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت مختصر بات ڈالی. میں نے کہا حضرت میں ہمارے والد صاحب کی پوری زندگی کو اگر سمپ کرنے کے لیے آپ کو کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کی روح جس وقت نکلی ہے اس وقت وہ دنیا میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گے اور دنیا میں ان سے کوئی ناراض نہیں ہوگا. تو حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ تو بڑے بڑے اولیاء کو بھی حاصل نہیں ہوتی ہے کیفیت. تو ہمارا دل صاف رہے ہر وقت ہر شخص سے, اور ہم اس کی کوشش کریں کہ دوسروں کا دل بھی ہم سے صاف رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها.
انت ولیها و مولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لي كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.